गुरु सांदीपनी जी के गुरुकुल में उज्जैनी में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा और अन्य कई बालक शिक्षा ले रहे थे। उस राज्य में एक भिक्षा मांगने वाली स्त्री थी, वो नारायण को बहुत पूछती थी, बिना नारायण को भोग लगाए वो कुछ नहीं करती थी। एक दिन वो भिक्षाटन के लिए बैठी थी, सांझ हो गई और पूरी सांझ वो इंतजार करती रही, कुछ नहीं मिला। लेकिन अंत में एक व्यक्ति आया, एक सुंदर सा वस्त्र उसके पास था, उस पोटली में कुछ सुंदर सा था और पोटली उसके पास रख गया। उसने उस पोटली को खोल के देखा, उसमें सुंदर भुने हुए चने थे। वो प्रसन्न हो गई, उसने कहा अब तो सांझ हो गई, सुबह सुबह ठाकुर जी को सत्तू का भोग लगाऊंगी, चना खिलाऊंगी। और बड़े भाव से भर गई, बड़े भाव से, ये जो कपड़ा है ये ठाकुर जी का आसन बनाऊंगी, बड़े भाव से। रात हुई, अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में सो रही थी, जब उसको किसी ने वो पोटली दी थी तो किसी चोर की दृष्टि उस पर थी, चमकीले कपड़े के ऊपर, और वो इस इंतजार में था जब ये रात को अपनी झोपड़ी में सोएगी तो मैं इसकी पोटली चुराऊंगा, जरूर इसमें धन होगा। वो सो रही है, चोर आता है, खटपट की आवाज होती है, ये जागती है, सामने वह चोर उस पोटली को उठाता और दौड़ लगाता है, भागता है, ये उसके पीछे भागती है। लेकिन वो बेचारी कहां तक भागती, उसकी आत्मा बहुत दुखी हुई कि ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए इतना सुंदर प्रसाद मुझे मिला और ये नालायक चोर वो भी ले गया। उसकी आत्मा रोई और उसकी आत्मा ने श्राप दे दिया, जा जो भी इसमें जो चना है जो मेरे ठाकुर जी को भोग न लग पाया, जो खाएगा वो हमेशा के लिए गरीब हो जाएगा, धनहीन हो जाएगा, श्रीहीन हो जाएगा, श्राप दे दिया। दौड़ा दौड़ा चोर जब ये पीछे दौड़ी तो वो भी आगे दौड़ा, दौड़ा दौड़ा वो गुरुकुल में प्रवेश कर गया, दीवारें फांद गया, वहां सैनिक पहरा दे रहे थे, छिपा खड़ा हुआ था, सैनिकों को आते हुए देखा, फिर वहां से भागा, वो पोटली नीचे गिर गई और वो भाग गया। भोर हुई, गुरु माता ने अपने झोपड़ी के दरवाजे को खोला और जैसे ही उन्होंने देखा बाहर बरामदे में एक सुंदर सी पोटली पड़ी है, उन्होंने खोल के देखा उसमें चने थे, उन्होंने रख लिए। इतनी देर में वो विचार ही कर रही थी, सामने से कृष्ण, सुदामा जी, अन्य कुछ मित्र और हैं, वे आए और प्रणाम कर रहे हैं, गुरु माता हमें संविदा लेने जाना है, जंगल जा रहे हैं, आपको प्रणाम है। प्रणाम किया, जाने लगे कि तभी गुरु माता ने को ध्यान आया, अरे सुंदर सुंदर चने हैं, बढ़िया है, तो उन्होंने आवाज लगाई, कृष्ण आगे की तरफ थे, सुदामा पीछे की ओर थे। श्री सुदामा जी ने आवाज सुनी, आकर माता को पुनः प्रणाम किया तो गुरु माता कहती हैं कि लाला ये ले जाओ, भूख लगेगी, खा लेना। सुदामा जी का जो तप था वो बहुत महान था। सुदामा जी ने जैसे उस पोटली को अपने हाथ में लिया, उन्हें वो सारी घटना दिखाई दे गई, उन्हें वो सारी घटना दिखाई दे गई, और उस घटना में उन्होंने ये भी देख लिया कि इसको जो खाएगा वो मांगते ही रह जाएगा, उसको कुछ मिलेगा नहीं, सब कुछ खत्म हो जाएगा, इसके मकान मकान घर कुछ भी नहीं होगा उसके पास। ये सोचकर श्री सुदामा जी विचार करने लगे और वो सोचने लगे कि गुरु माता ने कहा है कि ये तुम और कृष्ण आपस में खा लेना। उन्होंने इस बात का विचार नहीं किया कि गुरु माता की आज्ञा का उल्लंघन होगा, उन्होंने इस बात का विचार नहीं किया कि अगर मैं खाऊंगा तो मेरे साथ घटना घट जाएगी, लेकिन उन्होंने इस बात का विचार किया कि अगर कृष्ण ने इसको खाया तो श्राप तो वो भी खाएगा और श्राप का प्रभाव गड़बड़ कर जाएगा। तो आप लोग कहते हैं, कई बार आप लोग कहते हैं कि साहब सुदामा जी ने ऐसे ऐसे खा लिया था तो उसके बदले में ये उनके साथ हुआ, क्यों खाया था, इसके पीछे रीजन तो जानो। रीजन ये था कि उनके कृष्ण को किसी के सामने यूं ना करना पड़े, कृष्ण हमेशा यूं ही करते रहे, इसलिए श्री सुदामा जी ने दर्शन दिया और सुदामा ने चुपके से वो सब खा लिया, थोड़ा भी नहीं छोड़ा कि कोई और भी व्यक्ति खा ले तो उसके जीवन में कोई बर्बादी ना आए, थोड़ा भी नहीं छोड़ा। और सुदामा ने ये त्याग दिया
सुदामा का ये त्याग ही है जो गोविंद द्वारका में दौड़ते हुए आके अपने सीने से लगाकर उन्हें सिंहासन पर बैठाकर सरूपचार पूजन करके उनके जीवन को धन्य करते हैं। कृष्ण किसी का नहीं छोड़ते, जिसका है उसको वो देते हैं।